टेररिज्म का सेकंड पार्ट देखेंगे 7 मई। तो फैक्टराइजेशन में इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम एक फॉर्मूला का रिमाइंड करेंगे, यू नो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी माइनस। इसका हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्स स्क्वायर माइनस 36। तो सबसे पहले हम लोग ट्राई करेंगे किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लाने के। तो सबसे पहले एक्स का हम स्क्वायर है तो हम लोग लिख सकते हैं एक्स का होल स्क्वायर यानी और 36 माइनस है तो माइनस 36 को हम इसका स्क्वायर लिखेंगे 6 का स्क्वायर। यानी सबसे पहले जब भी कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है तो हमें उसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लाना है। यानी एक्स स्क्वायर माइनस 36 को हम लोग लिख सकते हैं एक्स का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर। अब हम लोग इस फॉर्मूला पे इसे फैक्टराइज करेंगे। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यानी इसे हम देख सकते हैं ए का प्लेस ऑफ ए क्या होगा एक्स होगा एंड प्लेस ऑफ बी क्या होगा 6 होगा। प्लेस ऑफ ए हो गया प्लेस ऑफ बी यानी एक्स प्लस 6 इंटू एक्स माइनस 6। यहाँ हम लोग ए एंड बी को डिनोट नहीं करेंगे वाली केवल समझने के लिए इसका यूज किया गया। उसके बाद हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 9 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 25। तो सबसे पहले हमें किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है। तो हम लोग देखेंगे 9 ए स्क्वायर बी स्क्वायर को क्या ए स्क्वायर के फॉर्म में लिखा जा सकता है। इसे हम इसी नंबर का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हम 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ए स्क्वायर के बदले हम ए ले लेते हैं, बी स्क्वायर के बदले हम क्या बी ले लेते हैं। यानी 3 ए बी का अगर हम होल स्क्वायर करेंगे तो 3 ए बी इंटू 3 ए बी क्या होगा 9 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। एंड 25 को हम लोग लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। यानी प्लेस ऑफ ए क्या हो गया 3 ए बी हो गया, प्लेस ऑफ बी क्या हो गया 5 हो गया। यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म में है तो हम लोग इसे लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यानी सबसे पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है। 9 ए स्क्वायर बी स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं 3 ए बी का होल स्क्वायर एंड 25 है तो हम लोग 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब 3 ए बी का होल स्क्वायर हो या कुछ भी हो माइनस 5 का स्क्वायर हो तो ये हो गया आपका ए एंड ये हो गया बी। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। इससे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 a स्क्वायर माइनस 112 b स्क्वायर। अब हम लोग यहाँ देखते हैं कि ये a जो है इसको हम स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं, b को भी लिख सकते हैं। क्या 63 को हम लोग स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। 112 को स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। तो यानी ये दोनों नंबर में कुछ भी कॉमन हो सकता है।
yani 63 yani 112 gram जब एचसीएफ निकालेंगे एचसीएफ क्या आएगा 7 यानी 7 से ये दोनों नंबर डिवाइड हो जाता है ए और बी को इसमें हम लोग कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि यहां ए है एंड बी दोनों में ए एंड बी होता तो हम ए एंड बी को कॉमन ले सकते यानी ये दोनों नंबर में 7 को अगर हम लोग कॉमन लेते हैं तो ये आपका 9a स्क्वायर होगा माइनस ये 7 से अगर डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 16b स्क्वायर अब हम लोग यहां 9a स्क्वायर को स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं तो होल स्क्वायर के रूप में लिखेंगे तो ये क्या होगा 3a का होल स्क्वायर यहां ये नहीं 9s का होल स्क्वायर लिख सकते हैं 9a का होल स्क्वायर क्या होगा 9a का होल स्क्वायर क्या होगा 9a * 9a हो जाता है 81 a का होल स्क्वायर जबकि यहां 9a स्क्वायर है तो 3a का होल स्क्वायर करेंगे तब 3a * 3a 9a स्क्वायर इसी तरह से माइनस 16b स्क्वायर को हम लोग क्या लिखेंगे 4 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का होता है b का स्क्वायर b स्क्वायर यानी 3a का होल स्क्वायर माइनस 4b का होल स्क्वायर अब यहां पे हम लोग a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में आए तो हम लोग क्या लिखेंगे a प्लस b इनटू a माइनस b a प्लस b लिखेंगे इनटू a माइनस b यहां 7 पहले से ही मल्टीपल के रूप में था इसलिए 7 इनटू 3a प्लस 4b इनटू 3a माइनस 4b इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे x to the power 5 minus 48x अब यहां देखेंगे सबसे पहले दोनों नंबर में कॉमन कुछ ले सकते हैं क्योंकि किसी का स्क्वायर नहीं है और ये भी किसी का स्क्वायर नहीं है यानी डेफिनेटली दोनों नंबर में कुछ भी कॉमन होगा कॉमन क्या होगा एक तो नंबर होगा क्या करें फिर से दोनों नंबर डिवाइड हो जाता है अगर तीन कॉमन लेते हैं तो x to the power 5 होता है x to the power 5 किसी का स्क्वायर नहीं है इसे x अगर हम लोग देखते हैं x स्क्वायर तो क्या होता है x into x अगर x स्क्वायर का होल स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है x स्क्वायर into x स्क्वायर इक्वल टू x to the power 4 x क्यूब का होल स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है x क्यूब into x क्यूब यानी x to the power 6 यानी x to the power 5 किसी का स्क्वायर नहीं होता है x to the power 2 किसी का स्क्वायर नहीं होता है तो हम लोग देखेंगे यहां पे क्या काम ले सकते हैं तो यहां पे x to the power 5 है यहां x to the power 3 है तो x to the power 3 को हम लोग कॉमन ले सकते हैं क्योंकि दोनों में कॉमन हो सकता है दोनों में x x to the power 2 अवेलेबल है तो 3x क्यूब अगर हम लेंगे तो यहां क्या बचेगा x to the power 3 क्योंकि तरी तरी कैंसिल हो जाएगा बाय का पावर माइनस होता है यानी x टू पावर 5 माइनस x टू पावर 3 इक्वल टू x टू द पावर 2 माइनस 3 से डिवाइड करेंगे 16 x क्यूब x को कैंसिल हो जाएगा अब हम लोग इसे कॉमन लेने के बाद इसमें x स्क्वायर माइनस 16 को a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में लेंगे थ्री एक्स क्यूब इसे हम लोग लिख सकते हैं एक्स का होल स्क्वायर इसे हम लोग लिख सकते हैं फोर का स्क्वायर थ्री एक्स क्यूब इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इस फॉर्म में इसे हम लोग लिख सकते हैं इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 16 1 माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर यानी 1 माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर क्या होगा तो सबसे पहले हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में से लिखना है तो ए और बी कुछ भी हो सकता है यहाँ
ये सब ए क्या हो गया वन हो गया ये सब बी क्या हो गया वन माइनस ए तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है तो वन को हम स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं क्योंकि वन का स्क्वायर वन होता है और बी जो है ऑलरेडी बी माइनस सी का स्क्वायर तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ जाता है यहाँ ए का वैल्यू वन है बी का वैल्यू बी माइनस सी तो अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है ए सबसे पहले लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये आपका ए हो गया और ये क्या हो गया बी हो गया यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होगा ए प्लस बी बी का वैल्यू हो गया बी माइनस यहाँ ए के प्लेस पे वन था प्लस बी के प्लेस पे क्या था बी माइनस सी यानी ये ए प्लस बी हो गया इंटू अब क्या होगा ए माइनस बी आपका ए माइनस बी जैसे ए का वैल्यू वन है तो ए प्लस बी बी का वैल्यू बी माइनस इंटू ए का वैल्यू वन है माइनस बी का वैल्यू क्या है बी माइनस सी उसी को हम लोग सिर्फ लिखेंगे अब यहाँ पे ए बी को हटा देंगे क्योंकि उसे समझने के लिए सिर्फ कुछ किया गया था और इसे हम लोग सॉल्व करते हैं तो वन प्लस बी प्लस 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 बी प्लस प्लस माइनस माइनस सी इंटू वन प्लस माइनस माइनस बी माइनस माइनस प्लस इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे n प्लस m का होल स्क्वायर माइनस n माइनस m का होल स्क्वायर अब यहां पर हम लोग देखेंगे a का वैल्यू कितना है n प्लस m है और b का वैल्यू कितना है n माइनस m है यानी a स्क्वायर का वैल्यू कितना है ये जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखा हुआ है पहले से ए का वैल्यू एन प्लस एम है बी का वैल्यू एल माइनस एम है सोचते हैं ए का वैल्यू क्या है एन प्लस एम है बी का वैल्यू एल माइनस एम है तो ये ऑलरेडी पहले से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है तो इसे हम लोग क्या लिखेंगे ए प्लस इंटू ए माइनस ये आपका ए हो गया प्लस ये आपका बी हो गया ये आपका ए हो गया माइनस ये आपका बी यानी हम लोग इसे सिर्फ लिखे हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी यहाँ प्लेस ऑफ ए क्या है ए प्लस एम है ए के प्लेस पे ए प्लस एम प्लस एल माइनस एम लीजिए बी का प्लस एल माइनस एम है तो ए प्लस बी इंटू ए का वैल्यू एल प्लस एम माइनस बी का वैल्यू एल माइनस एम अब ए बी को हम लोग रिमूव कर देंगे अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं तो ये आपका एल प्लस एल माइनस एम इंटू एल प्लस एम माइनस एल माइनस माइनस प्लस अब यहाँ देखेंगे प्लस एम माइनस एम कैंसिल हो जाता है प्लस एम माइनस एम कैंसिल हो जाता है एन एल दिया हो जाएगा टू एन यहाँ कोई भी साइन नहीं है इसका मतलब इंटू का साइन है टू एन इंटू टू एम इक्वल टू फोर एन इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर
25 degrees. A square minus B square plus 4B. Minus. तो हम लोग इसे सबसे पहले A square minus B square के फॉर्म में लिखना चाहेंगे. तो 9 A square को हम लोग लिख सकते हैं 3 A का होल स्क्वायर. अब यानी माइनस बी स्क्वायर प्लस फोर बी माइनस फोर के हम लोग क्या करेंगे, तो इसमें सबसे पहले हम लोग माइनस को कॉमन लेंगे. माइनस अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ बी स्क्वायर हो जाता है, माइनस प्लस माइनस हो जाता है फोर बी, और माइनस माइनस प्लस हो जाता है. अब ये ए का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस, इसे हम लोग लिख सकते हैं बी का स्क्वायर. वो किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होता है, माइनस है तो माइनस 2 ए बी. यानी ये किस फॉर्म में है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी. तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी किसका फॉर्मूला होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर. यानी बी स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर 4 हो जाता है, प्लस माइनस माइनस 4 भी हो जाता है. यानी बी स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू बी इंटू 2, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी के फॉर्म में इसे हम लोग लिख सकते हैं. यानी इसे हम लोग ए माइनस बी का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं. यानी ये 3 ए का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस प्लस ऑफ ए क्या है, बी है, प्लस ऑफ बी क्या है, 2. तो बी माइनस 2 का होल स्क्वायर. हम लोग इसे b माइनस टू का होल स्क्वायर लिख सकते हैं. अब ये s a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में है, तो a प्लस b इनटू a माइनस b. तो 3 a प्लस b माइनस 2 इनटू 3 a माइनस b माइनस माइनस प्लस. अब हम लोग 7c चैप्टर 7c देखेंगे फैक्टोराइजेशन में. तो 7c में फैक्टोराइजेशन में देखने से पहले इस एक्सरसाइज में हम लोग कुछ फॉर्मूलाज को इम्प्लीमेंट कर लेंगे. a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, या a माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab. अब हम लोग यहां देखेंगे यदि a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो हम लोग इस फॉर्म में किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं. उसी तरह से अगर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में होगा तो हम लोग उसे a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं. तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के फॉर्म में होगा तो हम लोग उसे a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं. इसे इसमें एक्सरसाइज 7c का क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे पहले सेकेंड नंबर. x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49. तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे वैसे नंबर का वैसे टर्म्स को देखेंगे जिसे हम स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि यदि a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख रहा है तो उसमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दो टर्म ऐसा होना चाहिए जिसे हम स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं. तो हम लोग इसमें टर्म्स का चुनाव करेंगे कि कौन ऐसा टर्म है जिसे हम स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं. तो सबसे पहले हम देखेंगे x स्क्वायर है, यानी x को स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं, प्लस 49 को स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं. तो कितना का स्क्वायर लिखेंगे, 7 का स्क्वायर लिखेंगे. यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हमें मिल गया. अब 2ab लिखना, तो प्लस, चूंकि यहां प्लस है, प्लस 14x है तो प्लस देंगे. 2 इंटू ए का वैल्यू हमें पहले से ही मालूम है, ए का वैल्यू कितना हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया. ए का वैल्यू कितना हो गया, एक्स हो गया, एंड बी का वैल्यू कितना हो गया, 7. अब इसे हम कैलकुलेट करके देख सकते हैं, 7 या 14 एक्स, यानी इसका इक्वल है.
यानी x square plus 14x plus 49 को हम लोग a square plus b square plus 2ab के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जब हम a square plus b square plus 2ab के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी ये किसका फॉर्मूला है, ये इस फॉर्म में आ गया है, a square plus b square plus 2ab, यानी ये किसका फॉर्मूला है, a plus b का होल स्क्वायर, यानी प्लेस ऑफ a x है, प्लेस ऑफ b क्या है 7 है, यानी इसे हम लोग x plus 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू x plus 7 into x plus 7। आप लोग वीडियो को पॉज करके वीडियो को क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 इज x square plus 6ax plus 9a square। तो सबसे पहले हमें वैसे टर्म्स का चुनाव करना है जिसे हम लोग स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। तो x को हम लोग a square के रूप में लिख सकते हैं, तो a square का हो गया। अब b square लिखना है, तो b का square किसका होगा, तो हम लोग place of b 9a square को हम लोग square के रूप में लिख सकते हैं। तो 9a square को हम कितना का square लिखेंगे, 3a का whole square। 9a square को हम लोग किसका square लिख सकते हैं, 3a का whole square लिख सकते हैं। अब a square plus b square मिल गया। अब यहाँ चूंकि प्लस थर्ड नंबर टर्म जो है प्लस में है, यानी प्लस 2 इंटू ए का वैल्यू हो गया x एंड b का वैल्यू हो गया 3a। अब इसे हम कैलकुलेट करके देखेंगे, 6ax है, यानी ये a square plus b square plus 2ab के फॉर्म में है, ये a square plus b का square plus 2 इंटू a into b के फॉर्म में है, यानी इसे हम लोग a plus b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू x plus 3a into x plus 3b। इस तरह से हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 इज z square plus z plus 1 by k। तो सबसे पहले इसमें हमें दो टर्म का चुनाव करना है जिसे हम a square plus b square के फॉर्म में लिख सकते हैं। थर्ड टर्म जो होगा प्लस 2 भी होगा या माइनस 2 भी होगा, उसे हम लोग बाद में देखेंगे। तो पहले z को हम स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं, और किसे स्क्वायर के रूप में लिखेंगे, तो 1 by 4 को हम लोग स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। 1 by 4 किसका स्क्वायर होगा, 1 by 2 का स्क्वायर होगा, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मिल गया। अब 2ab है, अब यहाँ थर्ड नंबर क्या है, प्लस z, यानी प्लस है तो प्लस 2ab होगा, तो प्लस 2 इंटू a का वैल्यू क्या हो गया, z हो गया, एंड b का वैल्यू क्या हो गया, 1 by 2 हो गया। 2 को यहाँ कैंसिल होने के बाद क्या आता, z आता, यानी इस नंबर को, इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को a square plus b square plus 2ab के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी ये किसका फॉर्मूला होगा, a plus b का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू z plus 1 by 2 into z plus 1 by 2।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 13 इज वन माइनस सिक्स एक्स प्लस नाइन एक्स स्क्वायर. तो सबसे पहले हमें टू टर्म्स का ऐसा चुनाव करना है जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं. तो हम लोग वन को लिख सकते हैं वन का स्क्वायर प्लस 9x को हम लिख सकते हैं 3x का स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हमें मालूम है. अब तीसरा नंबर जो है माइनस है, तो माइनस है तो हम लोग क्या लिखेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a. a का वैल्यू क्या हो गया 1 हो गया, b का वैल्यू क्या हो गया 3x हो गया. अब इसे हम लोग कैलकुलेट करके देखते हैं प्लस माइनस माइनस 6x आ जाता है. यानी ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी के फॉर्म में है, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी के फॉर्म में है. यानी इसे हम लोग ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं. तो यहाँ ए का वैल्यू क्या है 1 है एंड बी का वैल्यू क्या है 3x, यानी दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 3x का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 3x इंटू 1 माइनस 3x. यहाँ देखना सबसे पहले ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को हम लोग इंडिकेट कर देंगे. तीसरा टर्म देखेंगे अगर माइनस में है तो माइनस टू ए भी होगा, अगर प्लस में है तो प्लस टू ए भी होगा. इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे. m टू दी पावर 4 को हम लोग सबसे पहले देखें किसको हम स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं. हम लोग m टू दी पावर 4 को m स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पर पावर जो a टू दी पावर m a टू पावर m इज इक्वल टू a टू दी पावर m इनटू m दैट इज इक्वल टू a टू दी पावर m. तो यहाँ m टू दी पावर 4 को हम लोग m स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा m टू दी पावर 4 का इक्वल हो जाएगा. उसी तरह से m टू दी पावर 4 को हम लोग प्लस है तो प्लस n स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं. अब ये a स्क्वायर a के प्लेस पे यहाँ हो गया m स्क्वायर एंड प्लेस ऑफ b हो गया m स्क्वायर. अब ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया. अब यहाँ प्लस है तो प्लस देंगे 2 इंटू a इंटू b. देखते हैं 2m square n square आ जाता है, यानी ये a square plus b square plus 2ab के फॉर्म में लिख सकते हैं. यानी ये क्या होगा a plus b का whole square that is equal to m square plus n square into m square plus n square. इसके बाद हम लोग लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का देखेंगे. बाकी आप लोग इस चैप्टर को सॉल्व कर सकते हैं वीडियो को देखकर. क्वेश्चन नंबर 19 एल प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस 4l. तो सबसे पहले ये a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में पहले से ही है, तो इसे हम लोग लिखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b माइनस 4l. ये l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस 2lm 2 into ln to m 2 ln minus 4 ln. तो l का स्क्वायर प्लस m का स्क्वायर प्लस 2 ln माइनस 4 ln क्या होगा माइनस 2 ln होगा.
अब यहाँ पर जैसे हम लोग देखते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी था। यहाँ पे क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी है, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। तो यहाँ माइनस टू ए बी के फॉर्म में है, यानी से हम लोग एयर माइनस एम का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, that is equal to L minus M into L minus M.